वाले हैं कि जितने डिवाइस हमने पढ़े, हब, स्विच, गेटवे, राउटर, ये सब हमने अभी जितने हमने डिवाइस पढ़े उनके बारे में हम बात करेंगे कि वो डेटा को एक साइड से, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सेंड करते हैं। तो हमने वो भी डिस्कस किया कि सभी कंप्यूटर को शो हो जाता है, जैसे ये कंप्यूटर है, इसके साइड में जितने भी कंप्यूटर हैं उन सभी को वो कॉमन मैसेज चला जाता है। ऐसे भी मीडिया पढ़ा कि जिसके अंदर सभी को मैसेज चला जाता। हमने ऐसा भी डिवाइस पढ़ा कि जिसके अंदर जैसे कंप्यूटर नंबर ए है और ये सी नंबर कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इस तरीके से ओनली फॉर उसी को ही जाएगा। ये सब किसकी वजह से होता है? ये आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस की वजह से होता है। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ स्टूडेंट कि आईपी और मैक एड्रेस के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका मीन क्या है। उसका मीन ये है कि मान लेते हैं कि ये हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर नंबर वन, कंप्यूटर नंबर टू और कंप्यूटर नंबर थ्री। अब बात करते हैं कि जब एक हब से, ये हमारा हब है और ये हमारा क्या हो गया, सीपीयू हो गया स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया, सीपीयू हो गया, ठीक है। अब हमने नेटवर्क बना रखा हब से इससे भी कनेक्ट है, हब से ये भी कनेक्ट है और हब से ये कंप्यूटर भी कनेक्ट है। अब क्या होता है कि यहाँ से जब कोई मैसेज जनरेट किया जाता है तो ये सभी कंप्यूटर को डिस्प्ले होता है, आई मीन हेलो। ये हेलो क्या होगा, सभी कंप्यूटर को डिस्प्ले होगा, इसको भी और इसको भी। अब हम बात करते हैं अगर इसके जगह स्विच का यूज किया जाए, स्विच का, स्विच क्या होता है, हब से इंटेलिजेंट होता है। हब से इंटेलिजेंट होने की वजह से क्या होगा कि मुझे अगर यहाँ से अगर मुझे कोई मैसेज यहाँ पर करना है, ओनली फॉर थ्री नंबर पे ही करना है, कि मुझे वन नंबर कंप्यूटर से मैसेज ओनली फॉर थ्री नंबर कंप्यूटर पर ही करना है, तो इसके लिए आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस का यूज होता है। ये मैसेज फॉर ओनली फॉर स्विच का यूज करने से कौन से कंप्यूटर पे जाएगा, थ्री नंबर कंप्यूटर पर ही जाएगा। जिस कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं उस कंप्यूटर को ही हम एक्सेस करेंगे, ओनली सभी को नहीं करेंगे। तो इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में। तो अब हम आईपी एड्रेस को शुरू करते हैं। देखो आईपी एड्रेस, जब हम कंप्यूटर को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसी के साथ उस कंप्यूटर का एक अपना एक आईपी एड्रेस होता है। उस कंप्यूटर का अपना एक एड्रेस होता है जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस के बाद जब हम इंटरनेट को कनेक्ट कर लेते हैं तो यही आईपी एड्रेस एक नेटवर्क के काम में आता है, एक नेटवर्क बनाने के काम आता है कि हमारे कंप्यूटर का जो है ये आईपी है। बिल्कुल, मतलब एक हमारे कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस है, हमारे कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस है जो कि ये है। आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। हमारे कंप्यूटर का एक खुद का एक नंबर होता है जो इंटरनेट को जब चलाते हैं तब वो काम आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, और नेटवर्क बनाने के भी काम आता है। आईपी एड्रेस हर एक कंप्यूटर का अपना एक डिफरेंट एड्रेस होता है। जैसे कि मेरा एड्रेस है, मेरा एक, देखो हमारा भी एक एड्रेस होता है। जैसे मैं गढ़साना रहता हूँ, मेरा यूनिक ये एड्रेस है। जैसे गढ़साना में मैं कहाँ रहता हूँ,
जैसे मैंने कह दिया मैं 24SC में रहता हूँ, तो ये क्या हो गया, जैसे मैंने बोल दिया कि मेरा जैसे एड्रेस है उसी तरीके से मैंने बोल दिया गढ़साना 24 ASC, मतलब 24 ASC में अगर मैं रहता हूँ और वार्ड नंबर मैंने बोल दिया, तो ये एक क्या हो गया, यूनिक एड्रेस हो गया। अब कल को किसी को कोई बुक मेरे को कोई मेरे को बुक सेंड कर रहा है या मटेरियल सेंड कर रहा है, अगर उसके पास ये एड्रेस होगा तो वो डेटा ले आएगा। इसी तरीके से कंप्यूटर का अपना एक आईपी होता है, कंप्यूटर का अपना एक आईपी होता है जो इंटरनेट के अंदर क्या होता है, जब हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो आज हम इंटरनेट चलाते हैं, जब हम कुछ भी लिखते हैं क्या वो सभी को पब्लिक हो जाता है, नहीं, वो किसकी वजह से, आईपी की वजह से उसी कंप्यूटर सेकंड कंप्यूटर के अंदर डेटा जाता है, क्योंकि इसका आईपी डिफरेंट है, इसका आईपी डिफरेंट है। इसीलिए कंप्यूटर नेटवर्क में डेफिनेशन दी जाती है कि कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क किसे कहते हैं, किसी डिफरेंट डिवाइस पे डेटा सेंड करना। कई बार कह देते हैं कंप्यूटर से कंप्यूटर तो सेम हो गया, नहीं, कंप्यूटर दोनों का आईपी सेम नहीं है, ये दोनों का आईपी चेंज है, इसका आईपी कुछ और है, इसका आईपी कुछ और है, इसलिए डिफरेंट कंप्यूटर पे डेटा को शेयर किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, नेटवर्क कहा जाता है। एक आईपी हमारी क्या हेल्प करता है, एक आईपी से क्या होता है, एक आईपी से स्टूडेंट ये होता है, जैसे एक आईपी एड्रेस से ये होता है कि ये डेटा इसी कंप्यूटर के अंदर जाएगा, अदर कंप्यूटर के अंदर नहीं जाएगा। हम जिस कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं, मान लो ये GSN है और ये अनूपगढ़ है, अगर हम अनूपगढ़ के कंप्यूटर से डिस्कस कर रहे हैं तो ये डिस्कस इसी से ही होगी और किसी से नहीं होगी, डेटा शेयरिंग गढ़साना से अनूपगढ़ कंप्यूटर से शेयरिंग होगी। अब बात करते हैं आईपी से और क्या होता है, आईपी को सिक्योर बनाया जा सकता है, इसमें पासवर्ड वगैरह भी दिए जा सकते हैं। आप अनूपगढ़ चले जाते हैं अपने कंप्यूटर का, अगर आपको आईपी पता है, पासवर्ड पता है, तो आप यहाँ पर इस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो, इस कंप्यूटर का डेटा एक्सेस कर सकते हो। इसलिए कंप्यूटर के आईपी और पासवर्ड को शेयर नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन है, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन है, आईपी का यूज करने से, ओनली आईपी का यूज करने से क्या होगा, यहाँ का ये कंप्यूटर इस पे एक्सेस हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ स्टूडेंट इसी का, आईपी का, कि आईपी लिखा कहाँ आता है। आप कैमरे का एक चैनल खरीदिए, आप कैमरे का जब एक चैनल खरीदते हैं तो पूरी बिल्डिंग में कैमरे लगाए जाते हैं, तो उसके ऊपर एक कैमरे के जो डिवाइस होता है उस पर आईपी लिखा होता है इस तरीके से। इसमें इंटरनेट का कनेक्शन कर दीजिए आप, इंटरनेट का कनेक्शन करने से क्या होगा, ये आईडी किसके लिए वर्क करेगी, अब इंटरनेट के लिए। आपके पास मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर क्या करना, ओनली फॉर इंटरनेट के गूगल में ये आईडी लगा देना। ये आईडी जैसे ही लगाओगे यहाँ पर आपके हार्डवेयर का नाम आ जाएगा, आपके क्या होगा, हार्डवेयर का नाम आ जाएगा, आप कौन सा चैनल यूज़ कर रहे हो क्योंकि इसको एक्सेस कर रहे हो। इसके अंदर जो पासवर्ड लगे हुए हैं वो पासवर्ड लगा देना, आपके यहाँ मोबाइल पे क्या होंगे, जो कैमरे यहाँ चल रहे हैं पूरी बिल्डिंग में, वो यहाँ आ रहे हैं, इंटरनेट की वजह से आईपी वर्क कर रहा है, आईपी यहाँ लगाने से आपके पास भी इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट जब आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ आईपी लगाने से ये कैमरे यहाँ पर एक्सेस हो जाएंगे, मतलब इन सभी का डेटा यहाँ पर डिस्प्ले पे आ जाएगा। आईपी ऐसे वर्किंग करता है, एक आईपी से हम क्या कर सकते हैं, उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आईपी क्या होता है, एक कंप्यूटर एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस होता है, ठीक है भाई, ये हमारा आईपी हो गया। एक आईपी को लिखते टाइम क्या यूज किया जाता है, डॉट का यूज किया जाता है। ये क्या है, ये स्टूडेंट क्या है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसी नंबर को क्या बोलते हैं, आईपी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल अब बताते हैं आपको। आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट चलाने के लिए एक हार्डवेयर का यूज कर रहे हो, एक हार्डवेयर का यूज कर रहे हो, मान लेते कि मॉडेम,
मॉडेम का यूज़ कर रहे हो, इसका एक अपना एक नंबर होता है, इसका अपना एक नंबर होता है, वो कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, इस मॉडेम में इंटरनेट की आपने क्या कनेक्शन करवा रखा है, इंटरनेट का स्टूडेंट क्या करवा रखा है, कनेक्शन करा रखा है आपने अपने कंप्यूटर से, इसको कनेक्ट कर रखा है कंप्यूटर से, क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। जब ये यहाँ पर कनेक्ट है, जब ये यहाँ पर कनेक्ट है तब क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये है कि ये जो मॉडेम आपने कनेक्ट कर रखा है, ये आपने सीपीयू से कनेक्ट कर रखा है, सीपीयू के बाद यहाँ पर जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर सिस्टम है, स्टूडेंट नोट कीजिए, अब देखिए स्टूडेंट, ये जो मॉडेम है, इस मॉडेम में कोई प्रॉब्लम हो गई या इसके सॉफ्टवेयर या पासवर्ड लीक हो गए हैं, ये वाईफाई मॉडेम है, ये वाईफाई नेटवर्क है, अगर इसका पासवर्ड आईडी वगैरह कुछ भी अगर लीक हो चुका है या किसी को पता लग गया है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जहाँ इंटरनेट कनेक्ट होता है वहाँ पर इसको लगा देंगे 6-7, इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर दिया होता है कि इसका मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या है। जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा, इसका सॉफ्टवेयर क्या होगा स्टूडेंट, ओपन हो जाएगा, इसका सॉफ्टवेयर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। हम यहाँ से जो चेंजेस करेंगे वो चेंज कर देंगे, जो चेंजेस हमें करने हैं वो चेंजेस करेंगे और उसको क्या कर देंगे स्टूडेंट, सेव कर देंगे, सेव कर देंगे। तो इस मॉडेम में वो जो हमने चेंजेस किए हैं, जो सिस्टम हमने चेंज किए हैं, वो हमने क्या कर दिए स्टूडेंट, चेंज कर दिए हैं, और इससे क्या बोलते हैं मैक एड्रेस को, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, किसी मीडिया को एक्सेस करना, मैंने यहाँ पे आपको एक बात बताई थी कि ये तो हो गया आपका इंटरनेट आईडी हो गया, ठीक है, लेकिन किसी हार्डवेयर में कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कैमरे का जो बॉक्स होता है जो लगाया जाता है, इस बॉक्स में कुछ चेंजेस करने हैं, आप इसे इंटरनेट से कनेक्ट कर रखा है तो आप इसका एक नंबर दिया होता है जो मीडिया एक्सेस एड्रेस होता है, जब आप इसका यूज करते हैं तो उसका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है सारा एक्सेस हो जाता है, इंटरनेट से सारा एक्सेस हो जाता है, और इस एक्सेस करने के बाद हम उसके अंदर चेंजेस कर देते हैं। हाँ, ये भी पासवर्ड प्रोटेक्ट होता है, ये भी पासवर्ड प्रोटेक्ट होता है और ये भी पासवर्ड प्रोटेक्ट होता है। अब बात करते हैं आईपी और मेक एड्रेस से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके फायदे भी हैं नुकसान भी है आईपी से। अगर ये किसी अदर पर्सन को आईडी पासवर्ड का पता हो तो उस कंप्यूटर का डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर पर एक्सेस करके क्या किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है, जिसे क्या बोलते हैं, डेटा को चुरा लेना या हैक कर लेना या डिस्टर्बेंस कर देना, मतलब हमारे कंप्यूटर का डिस्टर्बेंस या पूरा डेटा हैक किया जा सकता है और पूरे कंप्यूटर को साफ किया जा सकता है, कोई अदर पर्सन इसको क्या कर सकता है, कंप्यूटर को हैक कर सकता है। आजकल जो हैक होते हैं, आपने सुना होगा कि आपके मोबाइल से पेमेंट डिलीट हो गया, पेमेंट कैसे कट हो गया, फ़ोन पे गूगल पे, तो वो हमारे फ़ोन का इसको हैक करने की कोशिश करते हैं, इसको हैक करने के बाद इसका आईडी पासवर्ड जो भी है वो हैक करने की कोशिश रहती है, उन्हें आईपी तो मिल गया है, आईपी मिलने के बाद वो पासवर्ड लगाने की कोशिश करते हैं, इससे क्या होता, हमारा डिवाइस किसी अदर पर्सन के कंट्रोल में हो जाता है जिसका हमें पता भी नहीं चलता है, उसके अंदर जो चेंजेस उसने करने हैं, जो चीज़ उसने चेक करना है वो कर लेता है, इस आईपी से ये होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल किसी हार्डवेयर के अंदर, देखो ये मॉडेम था, इस मॉडेम को किसी अदर जगह अगर पासवर्ड पता हो तो इस मॉडेम के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, इसमें तो कोई डेटा ही नहीं है, ये तो एक हार्डवेयर है, अगर इसके अंदर चेंजेस कर दिए जाएँ तो आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है, मतलब इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो सकता है।
ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आईपी और मैक एड्रेस है। इंटरनेट के लिए, इंटरनेट के लिए आईपी यूज होता है, और किसी इंटरनेट हार्डवेयर के लिए, किसी इंटरनेट हार्डवेयर के लिए मैक एड्रेस यूज होता है। स्टूडेंट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क में और देखते हैं कि क्या होता है, टोपोलॉजी होती है। टोपोलॉजी किसे कहते हैं, एक नेटवर्क सिस्टम से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा की शेयरिंग करना, क्या होता है, टोपोलॉजी होता है। इसके लिए जो मीडिया यूज किए जाते हैं, बस, स्टार, ट्री, जिस मेथड का, सिस्टम का यूज किया जाता है उसे टोपोलॉजी कहते हैं। इसके लिए एक हमारे पास मेन कंप्यूटर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, होस्ट कंप्यूटर बोलते हैं। बाकी सभी क्या रहेंगे, इसके अदर कंप्यूटर रहेंगे या अदर डिवाइस रहेंगे। एक जो मेन कंप्यूटर होता है जिससे ये सभी कंप्यूटर कनेक्ट है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, होस्ट बोलते हैं। इसका आईपी अलग है, इस कंप्यूटर का आईपी अलग है, और इस कंप्यूटर का आईपी अलग है। जो भी डेटा जनरेट किया जाता है या जो भी डेटा यहाँ से बनाया जाता है, वो स्टूडेंट किस में आता है, होस्ट कंप्यूटर में आता है। तो इसके लिए हमारे पास टोपोलॉजी जो होती है वो बस है, स्टार है, ट्री है। अब मैं बताता हूँ कि इसमें पहले नॉर्मल इसको देखते हैं कि क्या होता है। जब कंप्यूटर किसी एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर डेटा को शेयर करता है, यहाँ भी एक कंप्यूटर है और यहाँ दूसरा कंप्यूटर है। ओनली फॉर कितने कंप्यूटर है स्टूडेंट, वन, और ये टू। कितने कंप्यूटर हैं, टू। वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर जब डेटा की शेयरिंग की जाती है तो इसको कौन सा कहा जाता है, इसे लीनियर बस कहा जाता है। बस नाम क्यों दिया, बस का नाम सिंपल है कि जो बस होती है वो हमें एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर लेके जाती है। इसी तरीके से कंप्यूटर में जब डेटा एक कंप्यूटर से सेकंड कंप्यूटर से जिस चैनल से जाता है उसको बस सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, बस सिस्टम, उसको लीनियर बस भी कहते हैं। ऐसी भी बस होती है कि जो एक पॉइंट से शुरू होती है, दूसरे पॉइंट पर जाती है और कहीं भी नहीं रुकेगी। इस बस के अंदर डेटा है और जो किसी मीडिया से जा रहा है किसी दूसरे मीडिया के सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर में, तो ये आपकी लीनियर बस। ऐसी बस जो बीच में यहाँ भी रुकेगी, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ऐसी बस कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड बस होती है। मतलब डेटा यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट और यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस नेटवर्क सिस्टम को क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। कि यहाँ दो प्रकार से बस टोपोलॉजी बनाई जाती है। टोपोलॉजी किसे कहते हैं, एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम जिससे अदर कंप्यूटर में डेटा शेयरिंग के लिए बनाया जाता है और डेटा को शेयर करने के लिए एक चैनल का यूज किया जाता है, उसी चैनल सिस्टम को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, नेटवर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, नेटवर्क कहा जाता है। उसी नेटवर्क के सिस्टम को क्या कहा जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है। नोट कीजिए, स्टूडेंट देखिए, लीनियर बस और डिस्ट्रीब्यूटेड बस। नेटवर्क की बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर हम लीनियर को बनाते हैं कि लीनियर के अंदर एक कंप्यूटर से ओनली फॉर सेकंड कंप्यूटर, ये टॉप पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है। मतलब वन कंप्यूटर से ओनली फॉर सेकंड कंप्यूटर में जब डेटा की ट्रांसफ़र किया जाता है तो
तो ओनली फॉर वन ही कंप्यूटर से ओनली फॉर अदर कंप्यूटर, वो अदर कंप्यूटर डिफरेंट डिवाइस कोई भी, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लीनियर बस बोलते हैं। मतलब डेटा ओनली फॉर यहाँ से ओनली यहाँ और यहाँ से यहाँ, और बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है, कहीं भी डेटा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट क्या कहते हैं, लीनियर बस कहते हैं। अब बात करते हैं सेकंड की, डिस्ट्रीब्यूटेड बस। इसकी बात करें, हमारे पास एक होस्ट कंप्यूटर है और एक हम हार्डवेयर डिवाइस हब लगा लें या स्विच, या हमारे पास हब हो सकता है या स्विच हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी चैनल का एक यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर होस्ट कंप्यूटर के साथ एक वायर हम ले जा रहे हैं कि हमारा कौन सा पॉइंट है, टॉप। अब जहाँ से कंप्यूटर, यहाँ एक कंप्यूटर है तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, एंड, एंड पॉइंट हो गया। तो इसके अंदर एंड पॉइंट एक और बना लेते हैं, ये रहा। ऐसे कंप्यूटर जिनके अंदर डेटा अदर कंप्यूटर ज़्यादा हो, जिनमें डेटा अदर कंप्यूटर में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो उनको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड बस कहा जाता है। कि इसके अंदर अगर मैं यहाँ से हेलो जनरेट कर दूँ, अगर हब का यूज़ कर रहा हूँ तो ये हेलो इसको भी शो हो रहा है, इसको भी शो हो रहा है, इसको भी शो हो रहा है, इसको भी शो हो रहा है। मतलब एक ही केबल है और एक ही केबल क्या कर रही है, इतने कंप्यूटर को डेटा क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जब एक केबल से इतने सिस्टम बनाए जाएं तो इसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट बस कहा जाता है। ये डेटा इसको भी डिस्ट्रीब्यूट, इसको भी और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट बस कहा जाता है। अगर हम स्विच का यूज करते हैं तो अगर ये कंप्यूटर ए बी सी, अगर हम स्विच का यूज करते हैं तो हम ओनली फॉर उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। इसके एडवांटेज की बात करें स्टूडेंट बस टोपोलॉजी में, अगर इसमें एक सिस्टम फेल हो जाए तो अदर सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक सिस्टम फेल हो जाए तो अदर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये इसकी क्या है, एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करें, अगर ये चैनल फेल हो जाए, जिस चैनल से इतने डेटा ट्रांसफ़र सिस्टम हो रहे हैं, अगर वो चैनल फेल हो जाए तो इससे सभी कंप्यूटर पे क्या पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें, अगर इसके अंदर एक केबल, ये जो केबल है जहाँ से कट हो जाए या यहाँ से वीक हो जाए, तो इसके अंदर डेटा के अंदर प्रॉब्लम होगी, डेटा की शेयरिंग इन कंप्यूटर तक नहीं होगी। मतलब इसका जो एंड पॉइंट होगा वो कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा, इसका एंड पॉइंट ये हो जाएगा। मतलब ये इसका टॉप हो जाएगा और ये इसका एंड पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी के बारे में आज हमने पढ़ लिया है, कल हम जो पढ़ेंगे वो स्टार टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।